आज पुलिस लाइन सभागार में किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पास्को एक्ट 2012 विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी अपराध ओपी सिंह, रिसोर्स पर्सन के रूप में बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर मुमताज खान और चाइल्ड लाइन गोरखपुर के सह निदेशक फादर जैसन, चाइल्ड लाइन नगर समन्वय विष्णु, समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जीआरपी, आरपीएफ के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। देखने की भूमिका कानून अलग है, तो करना क्या है, बच्चा छोटा सा है, उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि गंदगी कहीं पड़ा हो जा पाएंगे, इस बच्चे को ले जाएंगे, सुपुर्द की नमा दे दीजिए, क्योंकि जब वो एडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस सुपुर्द की नमा और उस थाने के अंदर एंट्री का रिकॉर्ड मांगा जाता है, ट्रायल लेना है कि ये बच्चा आया, हमने चाइल्ड लाइन को अलर्ट कर दिया। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि एडॉप्शन के लिए भी सेंटर्स ना बन गए हैं गोरखपुर में, उसको हम कहते हैं विशेष दत्तक ग्रहण इकाई। आप क्या कर रहे हो? तो मिली हुई है, और एक उन्होंने बताया कि सरस्वती शिशु ग्रह उज्जर पार ग्राम अवस्थी थाना लगा गोरखपुर, तो सीडब्ल्यूसी को निर्णय लेना है कि हम कहाँ बच्चा दे रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां ठीक है, सरकार से पंजीकृत हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो बात है बच्चा वहां जाने के लिए। और हर थाने, इस अवसर पर एसपी अपराध ओपी सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बाल अपराध के मामलों में निस्तारण में आने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। जनपद में सभी थानों पे दो बाल सुरक्षा अधिकारी, सभी इंस्पेक्टर कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल ये लोग बनाए गए हैं, इनको बाल अपराधों के बारे में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, कि नए आए हैं, इनके नए प्राविधान हुए हैं, तो अपने पुलिस कर्मियों को अद्यावधि कराना है, उनको नई नई जानकारी देनी है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में अवेयर करने के लिए यहाँ सी डब्ल्यू सी जो संस्था है ये लोग अपना ये सेमिनार करा रहे हैं। इसी प्लग में हमने जनपद के सभी थानों से दो दो बाल कल्याण अधिकारी बुलाए हैं।